सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन का फेज टू अभी ऑन गोइंग है, आज उसकी लास्ट डेट है। और बच्चे ये दो गलतियां बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इन दो गलतियों की वजह से बच्चे का एडमिशन पूरी तरीके से कैंसिल हो सकता है। आप चेक करना ये, आप ये दो गलतियां तो नहीं कर रहे, और सेकंड वाली गलती तो मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है। बाकी फेज टू की आज लास्ट डेट है, अभी तक अगर आपने प्रिफ्रेंस लिस्ट नहीं बनाई है, अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उसको जल्द से जल्द फिल कर दे। मैं आपको गलतियां बताता हूँ, गलतियां बच्चे कौन कौन सी कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है। फर्क आती है कि काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये जो ग्रीन वाला साइड आ रही है, जहां पर आपके कोर्सेज शो रहे हैं, यही इनकी प्रेफरेंस लिस्ट है। बच्चे सोच रहे हैं कि ये प्रेफरेंस लिस्ट ऑटोमेटिकली बन के आ गई है और अब उनको कुछ चेंज नहीं करना। काफी बच्चे ये गलतियां कर रहे हैं, रेयर बच्चे कर रहे हैं, बट ये वाली गलतियां भी बच्चे कर रहे हैं। पहली गलती आ जाती है, ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में, आप ये ग्रीन वाली आपकी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं है। जब आप इसमें ऐड टू प्रेफरेंस लिस्ट नंबर पर क्लिक करोगे, तब जाके आपकी ये वाली लिस्ट बनेगी और ये वाली आपकी फाइनल जो होगी प्रेफरेंस लिस्ट होगी। और जो सेकंड गलती है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि यहां पर जो लिस्ट है प्रोग्राम्स और जो भी कॉलेज और जो एक्शंस, यहां पर जब शो हो जाता है ये पूरा रेड कलर में जो दिख रहा है, ये आपकी क्या बन जाती है, पूरी एक लिस्ट बन जाती है। इसके बाद वो इस सेव चेंजेस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो लिस्ट बन गई, ये पूरी लिस्ट बन के आ गई, ये कंप्लीट हो गई और बस हमारा सबमिट हो गया। इस सेव चेंज पर क्लिक करने के बाद भी आपको एक सबमिट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है। जब तक आप उस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करोगे, तब तक आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो सेव नहीं मानी जाएगी। तो उसको जल्द से जल्द क्लिक कर दे। तो ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो उसको सही कर ले, और मतलब कि फेज टू की आज आपकी लास्ट डेट है। और अगर आप किसी भी तरीके का, मतलब आपको चेंज करना है या कोई भी आपको फॉर्म फिल करना है या फेज टू में किसी भी तरीके का कोई काम करना है, तो आज अपने शाम को 5 बजे से पहले ये सारा काम अपना क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, और जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले, क्योंकि जो बाद में आपकी जो वेबसाइट है उस पर सर्वर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो हो सकता है आपका फॉर्म ही मतलब कि ओपन ना हो। तो ये काम आपका जल्द से जल्द कर ले। बाकी चैनल पर और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए अपलोडेड है, वहाँ से आप सारी चीज़ें जाके चेकआउट कर सकते हैं।